ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में 49 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का काम मंगलवार को पूरा हो गया, लेकिन पार्षद बने बिना निकाय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को महापौर या पालिका अध्यक्ष बनाने वाला हाइब्रिड फॉर्मूला आज भी कायम है। सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कुछ मंत्री और विधायकों के विरोध के बाद स्पष्टीकरण देते हुए एक प्रेस नोट जारी कर दिया, लेकिन संशोधित विभागीय अधिसूचना जारी नहीं की, बल्कि पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। गौरतलब है कि UDH मंत्री शांति धारीवाल ने गत 17 अक्टूबर को घोषणा की थी कि निकाय क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति और पार्षद का चुनाव हारा हुआ उम्मीदवार भी निकाय प्रमुख का चुनाव लड़ सकता है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। गहलोत सरकार के इस नियम का खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व खाद्य व आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा सहित कई विधायकों ने खुले तौर पर विरोध भी किया था। सचिन पायलट ने इस नियम का जबरदस्त विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए गलत बताया और स्पष्ट कहा था कि इसे बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलेगा। ये निर्णय व्यावहारिक नहीं है। जो व्यक्ति पार्षद का चुनाव नहीं जीत पा रहा हो उसको हम चेयरमैन या मेयर का चुनाव लड़ने दे, ये सही नहीं है। वहीं इस हाइब्रिड फॉर्मूले की घोषणा के बाद विपक्ष में बैठी भाजपा को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया और बीजेपी इस फॉर्मूले के साथ साथ पार्टी में पड़ी फूट का मुद्दा बनाने में जुट गई और इस नियम के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन की घोषणा भी की। ऐसे में ये मामला दिल्ली कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचा। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद निकाय प्रमुख के चुनाव में पार्षद नहीं होने की शर्त को हटाए जाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद UDH मंत्री शांति धारीवाल ने एक प्रेस नोट के जरिए स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया था कि आगामी चुनाव में पार्षदों में से ही निकाय प्रमुख चुने जाएंगे। इस नियम का इस्तेमाल उसी परिस्थिति में किया जाएगा जब निकाय अध्यक्ष की सीट SC, ST व OBC व महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो और इस वर्ग का पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनकर न आ पाए। ऐसी स्थिति में इस प्रावधान के तहत राजनीतिक दल अपने अन्य किसी कार्यकर्ता को निकाय प्रमुख का उम्मीदवार बना सकेंगे। इस संबंध में सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्टीकरण तो जारी कर दिया, लेकिन अधिसूचना में बदलाव नहीं किया है। इस हिसाब से बिना पार्षद बने अगर कोई व्यक्ति निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे में निकाय प्रमुख के चुनाव में धनबल के इस्तेमाल की आशंका पूरी तरह बनी हुई है। इसका दुरुपयोग छोटी नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा होने की आशंका है। वही सरकार द्वारा अधिसूचना जारी न करके सिर्फ प्रेस नोट के जरिए स्पष्टीकरण जारी करने के मात्र से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेताओं के विरोध के सुर शांत हो गए हैं, क्योंकि निकाय प्रमुख के चुनाव के लिए जो गली छोड़ी गई है इसका फायदा अब दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से उठाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 49 निकायों के 2105 वार्डो में पार्षदों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम मंगलवार को और नामांकन पत्रों की जांच का काम बुधवार को पूरा हो गया है। अब उम्मीदवारों को 8 नवंबर तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। 9 नवंबर को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 16 नवंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 19 नवंबर को मतगणना होगी। अध्यक्ष पद का चुनाव 26 नवंबर को होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।